हाँ, आज हम बना रहे हैं दही बल्ले। और सबसे पहले हम ये एक बाउल में पानी डाल देंगे और उसके बाद ये हम 100 ग्राम उड़द की धुली दाल ले लेंगे, 100 ग्राम। और इसके बाद 100 ग्राम हम मूंग की धुली दाल ले लेंगे। दोनों को मिक्स करके भिगो देना है इसके अंदर ऐसे करके। जब ये भीग जाएगी, फूल जाएगी एक घंटे के बाद, फिर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। और भीगने के बाद अब ये ऐसी हो गई है, फूल के सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसको, ये सारी हम पानी निकाल के और इसको जार में डाल लेंगे सारा ऐसे करके। हाँ, तो इसमें ये ढक्कन लगाएंगे और इसको बारीक हम पीस लेंगे ऐसे करके। ये पीस गया है, पीस के तैयार हो गया। देख लो आप कितना बारीक है ये पिसा हुआ। इसको खूब अच्छी तरीके से पीसना है। अब इसको हम एक बड़े से बाउल में निकाल लेंगे, ये सारा इसको इसमें निकाल लेंगे। हाफ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, हाफ टी स्पून जीरा, अजवाइन हाफ टी स्पून में, एक चम्मच इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। या आप जितनी भी इसको पसंद करते हैं खाने में, कम ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं आप। और आप खाना तीखा खाना पसंद है आपको तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाल लेंगे इसमें और खूब अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हम इसे खूब अच्छे तरीके से एक ही डायरेक्शन में खूब अच्छे से फेंट लेंगे इसको। थोड़ी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर इसमें जितना अच्छा ये फिटेगा उतने अच्छे आपके बड़े तैयार होंगे। हाँ, अब ये फूल चुका है अच्छा, तो हम पानी में डाल के आपको दिखाते हैं। देखिए, अगर ये ऊपर आ जाता है पानी के तो इसका मतलब है ये रेडी है पूरा बन के। देखिए, ये पानी के ऊपर तैर रहा है तो इसका मतलब है ये बड़ों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसके बड़े बनाएंगे और ये हम बड़ों का पानी बना लेते हैं जिसमें फ्राई करके बड़े भिगोएंगे। हम 2 टीस्पून चीनी ले लेंगे, 1/2 टीस्पून काला नमक ले लेंगे, 1/2 टीस्पून सफ़ेद नमक ले लेंगे और इसको ऐसे ये मिक्स कर लेंगे। अब चीनी इसमें पूरी अच्छे तरीके से घुल चुकी है और ये पूरा मिक्स हो गया। अब इसको हम हटा देंगे। हाँ, अब हम इसको ये फ्राई कर लेंगे सारे, और हल्की मीडियम आंच में इसमें ना आंच तेज़ करनी है ना कम करनी है, और मीडियम आंच में इसको हम पूरे से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसको हम पलट देंगे, ये एक साइड से हो गए, अब दूसरी साइड से हम इसको पलट देंगे, इसे हल्के ब्राउन रखने। अब ये देखिए पूरे तैयार हो गए, अब इनको हम निकाल लेते हैं। हाँ, तो अब ये बन चुके हैं, बिल्कुल बन के तैयार हैं। अब हम इसमें जो हमने पानी का घोल बनाया था, अब हम बड़ों को उसमें भिगो देंगे, ये सारे उसमें डाल देंगे। हाँ, आपको 15 मिनट के लिए ऐसे भिगो के छोड़ देने इसके अंदर। हमने बड़े भिगोने के लिए रख दिए हैं, जब तक बड़े भीग रहे हैं हम उसके लिए दही रेडी कर लेते हैं, पूरा सब तैयार कर लेते हैं। उसमें क्या क्या पड़ेगा हम आपको बता दें। 250 ग्राम दही ले लिया ये हमने, 2 टेबल स्पून हम चीनी ले लेंगे इसमें, 1 कप पानी ले लेंगे। अब हम इसे हल्के हल्के मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे इसको। अभी पूरा मिक्स हो चुका है अच्छे से, खूब अच्छे से मिक्स हो गया पूरा, चीनी इसमें पूरी घुल गई है। हाँ, अब इसे अच्छे से सॉफ्ट हो गए और इसको निचोड़ लेंगे, पूरा पानी इसका निकाल लेंगे ये ऐसे करके। हाँ, अब इसके ऊपर हम दही डाल देंगे जो हमने दही तैयार करके रखी थी। ये पूरा इस पर दही आ जाए और ये पूरी भीग जाए दही में।
हाँ, हरी चटनी डालिए इसमें आप। अब हम इसमें इमली की चटनी डाल देंगे, खट्टी मीठी। इसमें हम चाट मसाला डालेंगे, इसमें भुना जीरा डाल देंगे, और चिली पाउडर डाल देंगे हम इसमें। जिसे तीखा पसंद है वो ज़्यादा डाल सकते हैं, वैसे हल्का सा हमने थोड़ा कम ही डाला है। देखिए ये बहुत सॉफ्ट बने और बहुत अच्छे बने ये बड़े। आप हल्के से इसको चम्मच से काट सकते हैं, कितने अच्छे बने हैं, कितने अच्छे देखिए बने हैं।